हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन क्विक टू द पॉइंट के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है कान्हा टाइगर रिजर्व। तो इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यह टॉपिक UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पर्यावरण के खंड से जुड़ा है। टॉपिक पर चर्चा करें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, UPSC की तैयारी अब आप घर बैठे कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। नए बैचेस 2021, 22 और 23 की परीक्षाओं के लिए प्रत्येक सोमवार से शुरू। अब वो विशेषताएं देखिए जो आपको किसी भी अन्य कोचिंग्स में नहीं मिलेंगी। सभी ऑनगोइंग और कम्प्लीटेड कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस, प्री और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, उत्तर लेखन का अभ्यास, एक्सपर्ट्स गाइडेंस, स्पेशल लाइव क्लासेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स इंटरेक्टिव क्लाइव क्लासेस, जैसे कि मृणाल पटेल, आयुष संघी, अतिश माथुर, अनुज गर्ग, राकेश वर्मा, आरती मिश्रा। तीन कैटेगरीज में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, मिशन बैच जो कि बाइलिंगुअल है, लक्ष्य बैच जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, एक्सपेक्टेशन बैचेस जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। आप चाहें तो 6 माह 2021 के लिए, 1 साल 2022 के लिए या 2 साल 2023 की तैयारी के लिए इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। साथ ही NCERT के नए बैचेज में भी आप इनरोल कर सकते हैं। 2021 की तैयारी के लिए आप इनरोल कर सकते हैं वीकेंड बैचेज में भी। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही यूज़ करें हमारा कोड CAEYT10 एंड गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट विद फ्लैट डिस्काउंट। आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन क्षेत्र में एक बाघिन मृत पाई गई। आइए प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। अवस्थिति, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका इतिहास जानते हैं। वर्तमान कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र पूर्व में 2 अभयारण्यों हॉलन और बंजार में विभाजित था। वर्ष 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आइए इसकी विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। पहला, जीव जंतु। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा या स्वैम्प डियर विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। अन्य प्रजातियों में टाइगर, तेंदुआ, भालू, गौर और भारतीय अजगर आदि शामिल हैं। पेड़ पौधे, यह अपने सदाबहार साल के जंगलों शोरिया रोबस्टा के लिए जाना जाता है। यह भारत में आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंघा का पहला टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में अन्य टाइगर रिजर्व तो उसमें है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। कोर और बफर जोन प्रबंध के उद्देश्य से कोर बफर रणनीति के तहत टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है। कोर क्षेत्रों में वानिकी, लघु वनोपज संग्रह, चराई मानव बस्तियां और अन्य किसी भी प्रकार के जैविक हस्तक्षेप यानी कि बायोटिक डिस्टर्बेंसेस की अनुमति नहीं होती है, जो कि संरक्षण की दिशा में एक विशेष कदम है। बफर जोन का प्रबंधन एक बहुउद्देशीय उपयोगी क्षेत्र यानी कि मल्टीपल यूज एरिया के रूप में किया जाता है, जिसमें भूमि का संरक्षण, उन्मुख उपयोग शामिल होता है। यह हितधारक समुदायों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट साइट के इको डेवलपमेंट हेतु लागत और सुविधा प्रदान करने के अलावा कोर क्षेत्र में जंगली जानवरों की पूर्व संरक्षित आबादी को निवास स्थान प्रदान करने जैसे उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। बारहसिंघा उप प्रजाति, भारतीय उपमहाद्वीप में बारहसिंघा स्वैम्प डियर की 3 उप प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं: नेपाल में पाया जाने वाला वेस्टर्न स्वैम्प डियर, साउथ स्वैम्प डियर, हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है। कांजीरंगा असम और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले ईस्टर्न स्वैम्प डियर। स्वैम्प डियर की संरक्षण स्थिति IUCN की रेड लिस्ट सुबेद वल्नरेबल साइट्स परिशिष्ट 1 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।